हेलो बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो केवल एक कोशिका के बने होते हैं और बहु कोशिकीय जीव जो होते हैं वो बहुत सारी कोशिकाओं के। हम अपने आसपास बहुत सारी चीजें देखते हैं जिनमें कोशिकाएं होती है, जैसे जीव जंतु हैं, जानवर हैं, कुछ मनुष्य के अंदर भी, हमारे अंदर भी बहुत सी कोशिकाएं हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं, जैसे मेरे हाथ में एक रियो की पत्ती है, इसके अंदर भी कोशिकाएं उपस्थित है। हम ये भी जानते हैं कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने जब एक कॉर्क की पतली सी परत के अंदर जब माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने बहुत सारी कोशिकाओं को देखा था। इसको उन्होंने सेल नाम दिया। हम आज जिन कोशिकाओं का अवलोकन करेंगे उसके लिए हमने ये ली है एक रियो की पत्ती। हम इस रियो की पत्ती को पहचान इस तरह कर सकते हैं कि देखिए, इसके एक तरफ हमें हरे रंग का भाग दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ हमें जामनी रंग। आप इसे आसानी से अपने आसपास देख सकते हैं। और इसकी पत्ती को लेकर हम इस तरह इसे पानी में रखते हैं। पानी में रखने की वजह यह है कि अगर हम इसे सूखा रख दें तो इसके अंदर की कोशिकाएं मर सकती हैं। हमें जीवित कोशिकाओं को देखना है, इसलिए हम इसे पानी में रखते हैं ताकि वे मरे ना। स्लाइड बनाने के लिए हमें जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो यहाँ पर रखी गई है। आप देखिए, हमने एक कांच की स्लाइड ली है इस तरह। ये हमारे पास भी होता है ड्रॉपर, इससे हम पानी की बूंदे डालेंगे, इसे हम एक निडल कहते हैं। और इस स्लाइड पर जब हम इसका काट लेंगे तो वो सूखे ना, इसके लिए हम इसको इस कवर स्लिप की सहायता से ढक देते हैं। चलिए हम पहले स्लाइड बनाते हैं। और हमें देखने के लिए, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वो है ये सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि हमें इसमें तो इस तरह कोशिकाएं दिखाई नहीं देंगी। चलिए हम पहले स्लाइड बनाते हैं। इसके लिए हम इस पत्ती को इस तरह पकड़ें और तोड़ें ताकि इसका हमें पीछे से एक पतली सी परत मिले जिससे कि हमें कोशिकाएं आसानी से दिखाई दे। इस तरह तोड़ने से देखिए पीछे की ओर आपको एक पतली सी परत दिखाई दे रही है। इस परत को हम इस ब्लेड की सहायता से कट कर लेते हैं। आप स्लाइड पर एक बूंद पानी ले लें इस तरह और इस पत्ती को फिर से तोड़कर इसकी पतली सी परत निकाल लें और उसे आप ब्लेड से काटकर इस स्लाइड पर ले लें, कुछ इस तरह। इस पत्ती को लेने के बाद फिर से आप एक बूंद इस पर पानी डालें, निडल की सहायता से आप इस कवर स्लिप को इस स्लाइड पर रख दें। इतना बनाने के बाद आप इसे सूक्ष्मदर्शी में इस तरह फोकस करते हैं और सूक्ष्मदर्शी के निम्न आवर्धन में आप इसे देखेंगे। इस तरह हमने इसे फोकस की और इससे एडजस्ट करके हम इस कोशिका का अवलोकन कर सकते हैं। इस स्लाइड का अवलोकन हम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि इसमें हमें दो प्रकार की कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। एक कोशिका जो एपिडर्मल सेल होती है जो, और दूसरी होती है वो होती है जिसमें कि हमें स्टोमेटास दिखाई दे रहे हैं। हमें स्टोमेटास में भी यहाँ थोड़ा सा इस तरह का फर्क दिखाई देगा कि कुछ स्टोमेटास जो होते हैं वो आपको खुले हुए दिखाई देंगे और कुछ स्टोमेटास जो है वो बंद हो सकते हैं। और इन कोशिकाओं का अवलोकन जब आप कर रहे हैं तो आपको इसे फोकस इस तरह करना है कि आपकी जो नजर है वो केवल एक कोशिका पे हो जिसमें कि आप आसानी से स्टोमेटा पर अपना नजर फोकस कर सकें।